दोस्तों मैं जानता हूं कि इस हफ्ते जो है मैं वीडियो बहुत लेट लेकर आ रहा हूं क्योंकि मैं भी डबिंग में बिजी था, क्योंकि नई फिल्म आ रही है नेपोलियन जो हिंदी डब में भी थिएटर्स में रिलीज होने वाली, उसके चलते मैं डबिंग में बिजी था। तो आज हम बात करेंगे वन पीस चैप्टर 1095 के बारे में, अ वर्ल्ड नॉट वर्थ लिविंग। ये चैप्टर शुरू करने से मैं बता दूं कि इसके अंदर स्पॉयलर्स भी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कवर पेज के ऊपर बगी का जो नाक है वो एक बंदर चुरा कर भाग रहा है जंगल के अंदर। फिर आता है मेन चैप्टर, चैप्टर 1095, जहां पर हम देख सकते हैं बहुत सारे मरीन्स जो है वो डर चुके हैं और वो अफरा तफरी में भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने सेटन को देख लिया है और उसका जो डेविल फूड फॉर्म है वो सबसे खतरनाक है। फिर अचानक से ज्वेलरी बॉनी जो है वो सेटन के ऊपर तलवार से हमला करती है और उसके ऊपर जो है वो घाव भी देती है। फिर सेटन जो है उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर सांजी भी टेंशन में आ चुका है और वेगापंक चिल्लाता है कि ज्वेलरी बॉनी ऐसा मत करो। फिर सेटन की नजर जो है वो लूफी के ऊपर पड़ती है, जहां पर पिछले मांगा में हम देख सकते हैं लूफी जो है गियर फाइव इस्तेमाल करके वो पूरी तरह से थक चुका और जमीन पर पड़ा है। तो जैसे सेटन जो है अपने स्पाइडर लेग से उसे मारने जाता है तभी फ्रैंकी आकर जो है वो लूफी को बचा लेता है क्योंकि लूफी जो है वो पूरी तरह थक चुका और बेहोश है। फिर सीन आता है सेटन के ऊपर, जहां पर वो वेगापंक को कहता है कि मिलिट्री को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हें ये पछतावा भी होना चाहिए कि तुम वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर रहे हो, इसके लिए तुम्हारा मरना जरूरी है। और फिर सेटन पूछता है कि सबसे पहले मरना कौन चाहेगा। सेटन वेगापंक को यह भी बोलता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने हमें धोखा दिया। जैसे जैसे मांगा आगे बढ़ता है यहाँ पर ज्वेलरी बॉनी सेटन को बोलती है कि तुमने मेरे डैड को मार दिया। मतलब ये भी एक शॉकिंग चीज है मांगा के अंदर कि ज्वेलरी बॉनी के डैड का भी कुछ हिस्ट्री होगा वन ऑफ द फाइव एल्डर्स के साथ, जहां पर मजबूरन फाइव एल्डर्स को डिसीशन लेना पड़ा कि उनको ज्वेलरी बॉनी के डैड को मारना पड़ा और इसके पीछे कहानी क्या है शायद ये फ्लैशबैक में भी आगे हमें देखने मिल सकता है जो कि बहुत एक्साइटिंग होगा। सेटन यहाँ पर ये भी बताता है कि कुमा जो है बाथलुमी कुमा ये एक ट्राइब से आता है जिस ट्राइब ने बहुत ही खतरनाक गुनाह किया था, इसके लिए उन्हें सजा भी मिली और कुमा जो है वो एक स्लेव की तरह ही रहेगा क्योंकि वो पैदा भी एक स्लेव की तरह हुआ था, ऐसा सेटन बोलता है। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये क्या है हमें आगे देखना पड़ेगा क्योंकि ओडा जो है वो एक एक चीजें धीरे से रिवील कर रहे हैं। फिर 47 इयर्स पहले का एक पास्ट दिखाया जाता है। अब मांगा के अंदर जो है जैसे मैंने बोला फ्लैशबैक आने ही वाला है तो एक फ्लैशबैक यहीं पर आ गया। इस फ्लैशबैक के अंदर हम देख सकते हैं कि ये एक साउथ सोवियत किंगडम नाम का शहर है और यहाँ पर जो है सेलेस्टियल ड्रैगन्स है और उनके अंडर काम करने वाले ये स्लेव्स है जिनका ब्लड होता है बुकनियर ब्लड करके, वो मांगा में भी वो बताया गया। और यहाँ पर एक फैमिली जो है स्लेव्स की वो खुश हो गई है और वहां पर डॉक्टर वेगापंक भी है जो कहता है कि मैं इसके बारे में ब्लड के बारे में नहीं बताऊंगा, पर ये जो बच्चा पैदा होता है इसका नाम है कुमा। तो सेलेस्टियल ड्रैगन्स जो है वो जबरदस्ती कुमा को ले जाते हैं और उससे जो है वो स्लेव्स वाला काम करवाते हैं। फिर कुमा जब वापस आता है अपने डैड के पास तो वो बताता है कि तुम्हारी मॉम जो है वो मर चुकी है। सच बता रहा हूँ मैं, ये वाला जो सीन है ये मांगा में बहुत इंपॉर्टेंट है और एनिमे में ये जब एनिमेशन होगा तो ये बहुत ही अच्छा लगने वाला और देखने में भी बहुत मजा आने वाला है। और यहाँ पर वन पीस के फैंस जो है वो 100% इमोशनल होने वाले हैं। यहाँ पर एक सीन भी है मांगा में जहाँ पर कुमा जो है वो अपने डैड को बोलता है कि मेरे मास्टर जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं बता रहा हूँ ये इंटरेस्टिंग क्यों है क्योंकि मांगा में दिख रहा है कुमा को भी इन्होंने बहुत पीटा है और खून बह रहा है तो भी वो अपने डैड को बोलता है कि मेरे मास्टर जो है वो बहुत अच्छे हैं। कुमा के डैड उसे कहते हैं कि बुकानेर ट्राइब में एक सन गॉड है जिसका नाम है सन गॉड नीका और वो वॉरियर ऑफ लिबरेशन है और वो जो है वो कुमा को जरूर बचाएगा और कुमा जो है वो खुली हवा में सांस ले पाएगा और अंडर द सन जो है वो आज़ाद हो जाएगा और फ्रीडम मिलेगी, बस इंतज़ार करना है, हिम्मत नहीं हारना। इस चैप्टर ने तो गद्दा उड़ा दिया। देखो तुम बोल सकते हो इसके अंदर इमोशन भी है, एक्शन भी है और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको फ्लैशबैक में इंक्लूड किया गया, उनके पास्ट के बारे में बताया गया और खास करके इवान कोव जो एक रेवोल्यूशनरी भी है वो भी कुमा के साथ पास्ट के अंदर है। तो आगे जो है वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलेगा कि इवान कोव जो है वो कैसे बचकर निकलता है सेलेस्टियल ड्रैगन से और वो रेवोल्यूशनरी में कैसे भर्ती होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और शायद हमें ड्रैगन का भी कुछ अपीयरेंस जो है यहाँ पर देखने मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। अब देखो धीरे धीरे सभी राज पर से पर्दा हटने वाला है क्योंकि ओडा जो है वो अपने स्टोरी को लेकर अब सीरियस हो चुके और इसके जो स्टोरी बोर्ड और राइटिंग है और जो मांगा में कैरेक्टर्स दिखाए गए वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ आगे जो है वो चैप्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला और शैंक्स को भी हम बहुत जल्दी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा चला गया
और मैं बहुत वक्त के बाद भी आया, और ये चैप्टर जो है वो सबसे खास था, इसके लिए मुझे डिटेल में बात करना पड़ा। तो ऐसे में धमाकेदार एनिमे कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।